आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम गरम तवे के ऊपर कॉटन को क्यों रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले, आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू बोल सकूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें विस्तार से बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तवे को गरम किया। जब तवा गरम हो गया तो हम कॉटन का थोड़ा सा टुकड़ा इस पर डाल देंगे और कॉटन को इस तरीके से फैलाएंगे कि कॉटन अच्छे से फैला हुआ डले। और उसके बाद हम 5 से 6 लौंग लेंगे और लौंग को हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास लौंग ना हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम 2 तेज पत्ता लेंगे। सभी घर में मिल जाता है, सभी किचन में नॉर्मली इजीली मिल जाता है। तो हम 2 तेज पत्ता को डाल देंगे तोड़ करके, उसके छोटे छोटे से टुकड़े डाल करके। और हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। जैसे गैस की फ्लेम हाई रहेगी, तवा हमारा गर्म होगा तो जो कॉटन होगा वो भी अच्छे से हीट पकड़ने लगेगा। उसके बाद हम नेफ्थलीन वॉल्स लेंगे। नेफ्थलीन की वॉल को अच्छे से हम कूट करके उसका पाउडर बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मली जनरली किसी भी कॉस्मेटिक दुकान पे इजीली मिल जाता है। अगर नेफ्थलीन की गोली ना हो तो आप कपूर ले सकते हैं। कपूर पूजा घर में सभी के घर पे होता है, तो आप कपूर को अच्छे से कोट करके उसका पाउडर बना करके आप डाल सकते हैं। तो मैंने नेफ्थलीन वॉल्स ली हैं, उसी को मैंने कोट करके इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएं। मेरा कॉटन थोड़ा सा कम पड़ गया है, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कॉटन डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर होने देंगे और इसको तब तक हीट करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना आने लगे। हमने जो नेफ्थलीन की गोली इसमें डाली है, जैसे जैसे वो हीट के कॉन्टैक्ट में आएगी वो मेल्ट होती जाएगी। और फ्रेंड्स, ये वाली टिप्स एंड ट्रिक इतनी कारगर है फ्रेंड्स, ये मेरी दादी ने मुझे बताई थी। वो इस टिप को फॉलो करती थी और इस टिप को हर महीने से यूज़ करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टिप को आज मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो सालों की परेशानी है, जो इतने महीनों की परेशानी है, वो आज ख़त्म होने वाली है, वो भी बिल्कुल जड़ से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कॉटन को घुमा दूंगी। जैसे जैसे कॉटन को घुमाऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से उसमें हल्का हल्का सा धुआं आने लगा है। इसी तरीके से हम पूरी तरीके से कॉटन को हम जला लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा मैं आप लोगों को विस्तार से बताती हूँ। उससे पहले आप लोग मेरी दादी की इतनी मेहनत के लिए और दादी के इतने अच्छे दिमाग के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अपने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हाथों से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम दिवाली का दिया लेंगे। सभी घरों में अभी दिवाली का दिया हो गई बड़ा वाला, उसमें हम इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो धुआं उठ रहा है वो बहुत ही अच्छे से उठ रहा है। अब इस दिए को हम घर के सभी कोनों में रख देंगे, खास करके जैसे बेड के नीचे हुआ, फ्रिज के पीछे हुआ, वॉशिंग मशीन के पीछे हुआ, अलमारी के बगल में हुआ, उसके नीचे हुआ, ऐसी जगहों पे इसे 5-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारे घर के जितने भी मच्छर होंगे, कॉकरोच होंगे, मकड़ी होगी, मक्खी होगी, जितने भी वैट्स कीटाणु होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे, जिससे कि हमारे घर में बच्चों को बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी और हमारा घर बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। मच्छरों से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और मच्छर अक्सर करके सभी घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे हम कितनी भी सफाई क्यों ना कर लें। तो फ्रेंड्स, एक बार इस वाली टिप्स एंड ट्रिक को जरूर से फॉलो करके अपना फीडबैक दें।